हाँ तो फ्रेंड्स, ये अप्रैल के महीना है। अभी ड्रैगन फ्रूट में तो फूल आ जाना चाहिए था, पर यहाँ का मौसम खराब है। फूल के बदले देखिए ये आ गया, इसका सूट्स। अब ये सूट्स आप हरगिज इसमें रहने ना दे, इसको निकाल दे, क्योंकि अभी क्या होगा, जो सीजन आया है तो प्लांट का यही होता है कि वो सूट्स को ग्रोथ करने लगते हैं। अगर सूट्स अगर ग्रोथ हो गया, ऐसे वाले सूट्स अगर आ गया, तो इसको जल्द से निकाल दीजिए। क्यों, ये सारे जो आपका फूड वैल्यू है और जो न्यूट्रिशन है, ये सारा क्या करेगा, ये इसको ग्रोथ में लगा देगा। ये प्लांट ये सूट्स को ग्रोथ में, सूट्स के ग्रोथ के लिए लगा देगा। तो क्या होगा, आपका जो मेच्योर्ड ब्रांचेस है, जिसमें आगे आपको फूल आना है और फूल को फल में कन्वर्ट करना है, तो उसमें ऐसे सूट्स अगर दिखे तो उसको 100% आप निकाल दो, इमिडिएट निकाल दो। हर 2-3 दिन में इसको ढूंढ ढूंढ के निकालो और ये सूट्स को बस काट ही डालो, क्योंकि ये अगर निकल जाएंगे ज़्यादा, तो फिर आगे क्या होगा, फूल नहीं आएगा, क्योंकि फूल निकलने के लिए जो इसको एनर्जी चाहिए होगा, ये सारे ये सूट्स ले लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे सूट्स निकल दिए। ये मेरा मैच्योर प्लांट है और इसमें फूल 100% आने वाला है, लेकिन देखिए सूट्स निकल रहा है क्योंकि बारिश हो रहा है यहाँ पर, तो बारिश हो रहा है और थोड़ा सा मैंने फर्टिलाइज़र भी डाला था, तो ये क्या हुआ कि आप देखिए कलियाँ के बदले ये सारे सूट्स निकल आए। तो इसको मैं अभी काट के निकाल दूँगी, इसको इसलिए निकालूँगी कि ये रहेंगे तो सारा जो आपका न्यूट्रिशन ही यही ले जाएंगे, ये खा जाएंगे पूरा उसको, और आगे ब्रंच होके निकल जाएंगे। एक दो ब्रंच तो आप रख रख सकते हो, पर उसमें आपका फ्रूट नहीं आएगा, मतलब फ्लावरिंग नहीं होगा। लेकिन ऐसे मैच्योर्ड ब्रंच जो है, जिसको आपने टिप काटे हैं फ्लावरिंग के लिए, मैंने बताई थी, तो अगर इसमें ऐसा ब्रंच आने लगा तो उसको इमिडिएट निकाल दीजिए। मैं तो इसको फूड चोर बोलती हूँ, खाना चोर बोलती हूँ, क्योंकि ये सारा जो प्लांट्स का जो खाना होता है, जो कि इसका आगे चल के फ्रूटिंग के लिए चाहिए होता है, ये पूरा तान लेता है। तो उसको देखते ही आप बस निकाल दो, और फिर प्लांट को पूरा साफ सुथर रखिए ताकि इसको कोई इन्फेक्शन ना हो। अब जब भी ऐसे काटे ना, थोड़ा सा फंगिसाइड लगा दे। मैं बारिश होगा और इसीलिए मैं नहीं लगाई, बारिश निकल जाने के बाद ही मैं लगाऊंगी, क्योंकि नहीं तो धुल जाएगा। लेकिन आप जब करोगे तब तो थोड़ा सा फंगिसाइड या हल्दी, जो भी आपके पास हो, साफ वगैरह फंगिसाइड कुछ भी आप थोड़ा सा लगा दो, ताकि इसमें इन्फेक्शन ना आए, ठीक है। और उसको बिल्कुल साफ सुथरे रखिए। और मेरे ये वीडियो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करूँगी कि ये 100% मुझे फ्रूटिंग देगा आगे चल के। और देखिए ऐसे वाले मुझे निकल रहा है प्लांट से, तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल एक्स्ट्रा ब्रांचेस नहीं लेना है। मेरे सारे ब्रांचेस नीट हो गए, मैं अभी इसमें शाम को फर्टिलाइजर डालूंगी, मिक्स फर्टिलाइजर।